हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं कुछ एक दिन पहले आप लोगों से बात कर रही थी कि एट टाइम्स ऐसा लगता है कि पता नहीं किधर जा रहे हैं हम लोग। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बात आपने अधूरी छोड़ दी, आप क्या कहना चाहती थी। एक्चुअली एज सच मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी। मुझे खुद ऐसा कभी कभी फील होता है कि रोज़ रोज़ सेम तरीके से सेम तरह के काम कर करके ऐसा लगता है कि मालूम नहीं कितने दिन कहाँ चले गए। और मालूम है कि हम सब जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं, अपने हमारे सबके प्लानिंग्स हैं, गोल्स हैं, एम्स हैं, जिसको फुलफ़िल करने के लिए हम सब ये सब एफर्ट्स लेते हैं। बट स्टिल एट टाइम्स ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा इस सब का रिज़ल्ट। कभी कभी कितने जतन से कुछ प्लान्स बनाओ, एग्जीक्यूट भी करो, लेकिन वो जब उसका रिज़ल्ट नहीं आता है बड़ा ही हताशा होती है। और फिर क्योंकि कुछ कर नहीं सकते तो हाथ में सिर्फ यही है कि भगवान पे भरोसा करो, वो जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इतनी अजीब बात है ना, पहले हम सब लोग सब काम करते हैं क्योंकि हमें ज़िंदगी में सेटल होना है। और एक बार जब ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं तो उस सो कॉल्ड सेटल्ड लाइफ, उस रूटीन ज़िंदगी से धीरे धीरे फिर बोर होने लगते हैं, फिर वापस पहले जैसा थ्रिल चाहिए। और आपने नोटिस किया आजकल मैं चोटी बनाने लगी हूँ, मेरे बाल बड़े हो गए हैं कि मैं चोटी बना सकूँ। एक्चुअली मैं है ना, मतलब इतने भी बड़े बाल नहीं है ये, मैं इतने बड़े बाल लेकिन करती नहीं हूँ। लास्ट टाइम जब मेरे बाल बहुत लंबे थे वो था मोनू भैया की शादी के वक्त। मैं कोई फ़ोटो डाल दूँगी तो आप देखिएगा, इतने बड़े बड़े हो गए थे मेरे बाल। वो मैंने जानबूझ के ग्रो किए थे क्योंकि शादी वगैरह होती है तो आप एथनिक वेयर पहनते हो ऑल द टाइम, और फिर साड़ी वगैरह में छोटे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसलिए मैंने तब लंबे करे थे जानबूझ के। लेकिन अभी ये जितने बड़े हैं, इतने बड़े मैं यूजुअली रखती नहीं हूँ, इतने इतने कटवा देती हूँ। लेकिन अभी मुझे वेट करना पड़ेगा टिल करवा चौथ, क्योंकि मैं करवा चौथ के बाद कटवाऊँगी। लास्ट टाइम मैंने ये गलती करी थी, पिछले साल मैंने मेरे बाल करवा चौथ से पहले कटवा लिए थे, इतने छोटे करवा लिए थे अगर आपने मेरे पिछले साल की वीडियोज़ देखी हूँ। और फिर करवा चौथ के वक्त पूरे वक्त उन्हें खोल कर, और मेरा पल्लू भी नहीं टिक रहा था, मतलब बहुत हैसल हो रही थी, चोटी नहीं बन सकती उनकी। तो इसलिए एक बार करवा चौथ हो जाएगा मेरा संपन्न तो उसके बाद मैं फिर बाल कटवाऊँगी। मैं बस वेट कर रही हूँ करवा चौथ होने का। और मैंने थोड़ी बहुत फ्रेंच बीन्स क्लीन करके रखी है। ये वाले जो कंटेनर है ना, मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, चार हैं मेरे पास ये, और आई टेल यू बहुत ही अमेजिंग है। मतलब है तो कंटेनर ही, लेकिन इसके अंदर ये नेट आता है ना, इसकी वजह से आई ऑब्जर्व कि जो नॉर्मल सॉलिड कंटेनर्स रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा सब्ज़ियाँ इसमें लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रहती हैं, तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। इनफैक्ट धनिया भी आई नोटिस कि इस वाले कंटेनर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी आई एम प्लानिंग कि मैं आगे जो भी स्टोरेज के लिए कंटेनर खरीदूँ सब्ज़ी वगैरह के लिए, वो ऐसे ही लेने वाली हूँ। और ये लोग है ना बॉयल्ड एग्स खा रहे हैं, थोड़ा सर्दियाँ होती हैं तो फिर वो लोग एग्स खा लेते हैं, गर्मी में उतना भी नहीं पसंद करते सानवी खुशी और शर्मा जी एग्स खाना। और क्योंकि वो लोग शाम में अभी खा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो डिनर बहुत ज़्यादा आज नहीं बनने वाला है। मैंने काफ़ी कम कम सब्ज़ियाँ वगैरह साफ़ करी हैं बिकॉज़ मैं तो डिनर करूँगी, और ये लोग भी यू नो अभी बोल देंगे कि नहीं भूख नहीं है भूख नहीं है, बट सोने के टाइम पर फिर उन सबको थोड़ी बहुत भूख लगती है। और ये जो फ्रेंच बीन्स होती है ना, मैं अंदर रखाई फ्रिज के अंदर, तो इसको आप साफ़ कर लीजिए बट धोइए नहीं इसको। जो टिप्स होती है इसकी, जो टिप एंड बॉटम होता है ना, उसको चाहे तो रख लीजिए, चाहे तो काट करके भी आप बहुत अच्छी तरह से इसको स्टोर कर सकते हो। अगर आप इसको धोते नहीं हैं तब तो आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हो, बट अगर आप धोना चाहते हो तो धो लीजिए, फिर उसके बाद अच्छी तरह टॉवल में ड्राई कर लीजिए, और फिर जिस तरह मैंने एक बॉक्स के अंदर यू नो टिश्यू पेपर में इसको रैप करके रखा है, उस तरह से आप एक बॉक्स के अंदर या चाहे तो जिपलॉक बैग के अंदर इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अराउंड एक वीक जैसे ये अच्छी बनी रहती हैं। और ये जो ये वाली बीन्स होती है ना, फ्रेंच बीन्स, ये ऐसी कुछ रेसिपीज, ऐसी कुछ वेजिटेबल्स में से एक है जो लगभग हर तरह का रेसिपी में जाता है, फ्राइड राइस में, मिक्स वेज में, तो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो ये था एक क्विक सा मील प्रेप
टिप। और सेम बीन्स को आप थोड़ा ब्लांच करके रख दीजिए, तो फिर फ्रीज़र में दे कुड स्टे अप टू मंथ्स। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी रहती हैं और हमेशा फ्रेश वाली भी नहीं मिलती, सूखी सूखी मिलते हैं कभी कभी ना, कि अंदर जो पल्प होता है वो गायब रहता है और यू नो सूखा सूखा सा स्किन रहता है। तो अगर आपको फ्रेश वाली मिलती हैं तो अच्छी खासी क्वांटिटी में आप ख़रीद के थोड़ा बैच जो है फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, थोड़ा बैच फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए। और अगर आपको ईजिली अच्छी अवेलेबल है देन नो नीड टू डू दिस। और यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, मैं ना चना करी बनाने वाली हूँ, ब्लैक चना करी, एकदम ही सिंपल आज मैं सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। ये सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है, आपको जो तेल पसंद आए आप वो ले सकते हो। तो मैंने कुकर में सरसों का तेल स्मोक होने के लिए रख दिया है और थोड़े से टमाटर को मैं यहाँ प्योरी कर लूँगी। मैं बेसिकली मील अंडर 30 मिनट के हिसाब से आज खाना बना रही हूँ। सरसों का तेल गर्म हो गया तो मैंने डाला इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हरी मिर्ची और उसके बाद कटे हुए प्याज, और ये सब चीज़ें अच्छी तरह भूनेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी ही चीज़ें अंडर 30 मिनट्स मैंने बना भी ली थी। टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फॉलो कीजिएगा अगर आप अंडर 30 मिनट मील प्लान कर रहे हैं। प्याज भुन गए हैं तो हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर मैंने ऐड किया है प्याज के साथ, थोड़ी देर इसे भी भून लेंगे और उसके बाद जो टमाटर पीस करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। मैंने पहले से उबाल के रखे हुए थे चने, इसलिए मैं आलू चना करी बना रही हूँ। आप इस तरह से दाल भी बना सकते हो, 5 मिनट में दाल बन जाती है। थोड़ा सा छोले मसाला ऐड कर रही हूँ मैं, चना करी में छोले मसाला अच्छा टेस्ट देता है। अच्छी तरह मसाला भून लीजिए जब तक इस तरह से कलर भी चेंज हो जाए और ठीक हो जाए। ज़रा सी चीनी डालकर भून लेंगे इसको अच्छी तरह, और इसके बाद फिर इसके अंदर हम जो चना है हमारा वो ऐड करेंगे। ये चना मैंने पहले से बॉयल करके रखा था, इसलिए इसका जो पानी है वो डिस्कार्ड कर दिया था, वापस इसको धो करके मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप चने को पहले उबाल करके फ्रिज में 3-4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, और फ्रीज़र में तो महीने भर के लिए आप उसे स्टोर कर सकते हैं। थोड़े से आलू डाल दिए हैं मैंने, आलू और चने को भूनेंगे मसाले के साथ और इसके बाद फिर डाल देंगे इसके अंदर पानी। कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको उस हिसाब से पानी और नमक आप इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद ढक्कन लगा के 2-4 सीटियाँ इसको ले लीजिए। आप यू नो चने को बॉयल करके फ्रिज में रखा ही कीजिए, ये बहुत काम आता है। मैनी टाइम्स यू नो चाट क्विक सब्जी के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कढ़ाई में मैंने लिया है फिर से सरसों का तेल, डाला है ज़ीरा, हींग, चिली, सूखी लाल मिर्चें और अदरक थोड़ा मोटा ही काट करके डाला है मैंने, और ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से आप कोई भी सूखी सब्ज़ी फटाफट से बना सकते हो। ऐड करेंगे इसके अंदर आलू, ज़रा से इसको भून लेंगे, और उसके बाद कटे हुए बीन्स, मैंने यहाँ बीन्स ये वाले डाले हैं, फ्रेंच बीन्स, आप कोई भी बीन्स डाल सकते हो। मसाला करेंगे हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और थोड़ा सा नमक, इसमें प्याज टमाटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी सूखी सब्ज़ी इस तरह से तेल में ड्राई मसालों के साथ भून करके तैयार कर सकते हो। बस रख देंगे सब्ज़ी भुनने के लिए, आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं जल्दी पकाने के लिए। राइस मैंने सोख ने रख दिया है और आटा भी लगा के रख देंगे। आटा लगाने का भी एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको देती हूँ, आटा छान लीजिए, डालिए इसमें ज़रूर से थोड़ा सा नमक, कहते हैं आटे में नून बरकत देता है, तो थोड़ा नमक ज़रूर डालें और फिर पानी डाल करके इसको उनस लें, यानी कि सिमटा लें सारा जो सूखा हुआ आटा था। और इसके बाद आपको इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी, एक बार आपका जो फ्लावर है ना वो इकट्ठा हो जाए, डो का फॉर्म लेने लगे, तो बस इसे आप घड़ी देखकर 30 सेकेंड टू 1 मिनट नीड कर लीजिए, फुल्ली इस पे मेहनत करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। देखिए किस तरह से ये जल्दी ही इकट्ठा होने लगा है, लेकिन अभी देखिए आटा जितना अच्छा आप गूंदेंगे ना रोटियां उतनी ही बढ़िया बनती हैं, इसलिए इसको अच्छी नीडिंग की ज़रूरत होती है। बट मैं आपके साथ ये शॉर्टकट शेयर कर रही हूँ, आप इसे इकट्ठा करके रख दीजिए ढक्कन लगा के 10 मिनट। मीनवाइल हम बाकी चीज़ें देख लेंगे। ये देखें यहाँ सब्ज़ी लगभग पक भी गई, बीन्स आलू इनको पकने में कुछ भी वक्त नहीं लगता, और बाद में फिनिश कीजिए इसे थोड़े से आमचूर के साथ, क्योंकि हमने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है ना, सूखी सब्ज़ियों में ऊपर से आमचूर उसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। और ये तो आलू बीन्स हो गए, आप इस तरह आलू भिंडी आलू के साथ कुछ भी जो भी बनता है फटाफट से इस तरह बना सकते हो। और यहाँ फटाफट से मैं राइस कर लेती हूँ, कढ़ाई में मैं डाला थोड़ा सा घी, ज़ीरा, नमक और डाल देंगे चावल। सेम प्रोसेस कुकर में कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपने समझिए 1 कप लिया है चावल तो 1.25 कप पानी डाल दें, और 1 सीटी में आपका जो चावल है वो पक भी जाएगा। मेरा दूसरा कुकर ज़रा आउट ऑफ ऑर्डर है, इसलिए मैं ओपन पैन में बना रही हूँ। और इसके बाद 10-1 मिनट आपका जो आटा है वो रेस्ट हो चुका होगा अभी तक, जब तक इतना काम किया है आपने। हाथों में ज़रा सा तेल लेकर इसको इस तरह से थोड़ा सा और नीड कर लें, और देखें कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया, कोई क्रैक्स नहीं है, और आपका आटा हो गया तैयार। इसके मैं आपको रोटी करके दिखाऊंगी, हर एक रोटी फूलती है, सॉफ्ट बनती है।
ये टिप का इस्तेमाल कर सकते हो हर रोज़। आपको आटा गूंदने में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान दीजिएगा कि आप फ्री ना बैठें, एक तरफ एक काम हो चुका है तो दूसरे काम पे लग जाइए फटाफट। लाइक ट्रस्ट मी 30 मिनट में आपकी ये थाली बन भी जाएगी। और फिर जिस तरह रोटी बेलते हैं आप, सेकते होंगे फुलाते होंगे, उस तरह से कर लीजिए। और ये देखें एकदम सॉफ्ट बढ़िया रोटियां बन रही हैं और सारी ही रोटी फूल जाती हैं। आप ट्राई दीजिएगा, आपको ये तरीका पसंद आएगा। और इसके बाद ये है आज की थाली, आलू बीन्स की सूखी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है, आप बना के देखिएगा। और ये आलू काला चना की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ, तो अमेजिंग, ये अपने आप में बहुत बढ़िया लगती है। मतलब राइस के साथ सिर्फ आप ये बनाएं, आपका लंच इज़ सॉर्टेड। तो ये सब्ज़ी भी बहुत आसानी से बन गई बहुत जल्दी ही। आप राजमा, छोले, चने, इस तरह की चीज़ें बॉयल करके फ्रिज में रख लीजिए, आपके कई दिन काम आएंगे। थोड़ा सैलेड, राइस एंड चपाती। और ये देख रहे हो आप मेरे साइड का बेड साइड टेबल, ये टूट गया है। और आज दोपहर में क्लासेस फिनिश करने के बाद शानो खुशी फिर यहीं मेरे पास ही आकर लेट गए थे। वो जो आप येलो पिंक कलर का ब्लैंकेट देख रहे हो ना सिरहाने पे, वो सानवी खुशी का है, और ये ब्लू वाला मेरा है। शर्मा जी ब्लैंकेट नहीं लेते, और मुझे तो गर्मियों में भी ब्लैंकेट चाहिए, मुझे थोड़ी सी वो वार्मथ फील होती है तो बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये रूम इसलिए अभी तक फैला पड़ा है, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा संभाल देती हूँ। सानवी खुशी अपने रूम में, उनका ब्लैंकेट उनको दे करके आऊँगी और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। बड़ा बिगड़ा सा लग रहा है रूम। आजकल मैंने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ शुरू करिए जो कि मैं अकेले ही देख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं देख सकते आप आजकल हर एक चीज़, और शर्मा जी बिजी रहते हैं। और ये वाले जो पिलोज़ है ना, इसके बारे में मुझे बहुत कमेंट आते हैं। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, तब शर्मा जी जब जॉब पे जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा ही हेडेक रहने लगा था, और ये जो हमारी नेप होती है ना वहाँ पे उनको बहुत दर्द होता था। तो हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई, उसमें से ये पिलोज़ भी एक पार्ट था। उन्होंने कहा कि इस तरह के पिलोज़ पर आप सोया कीजिए, तब फिर हम लोगों ने ये वाले पिलोज़ ला दिए थे। उसके बाद ये जो थर्ड पिलो है ये मुझे PR में आया था, इसके अंदर एलोवेरा समथिंग ऐसा कुछ स्टफिंग है। तो ये फिर शर्मा जी ने ट्राई किया तो उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अब वो इसे ही लगाते हैं, वो वाला नहीं लगाते जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उन्हें उससे कोई राहत नहीं मिली एज सच। तो ये जो पतला वाला पिलो है उनको लगता है कि ये थोड़ा ठंडक रहती है इसमें, पता नहीं, पर वो इसे ही लगाते हैं। तो अभी ऐसा ये मिसमैच सा फिर सेट यहाँ पर नज़र आता है। शर्मा जी मुझे स्मेल करा रहे थे, एक्चुअली उन्होंने जो ये अरोमा डिफ्यूज़र है ना इसमें फ्रेग्रेंस डाली है, और वो बता रहे हैं कि कितनी अच्छी है, उनके हाथों में स्मेल हो रखी है। हम लोग बेसिकली होम सेंटर गए थे शायद, एट होम से लाए थे, दो फ्रेग्रेंसेस थे ये, तो दिस इज़ ऊद। तो शर्मा जी ने वहाँ सुन के बोला कि मुझको ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन टुडे ही इज़ फाइंडिंग इट इम्प्रेसिव, तो उनको अच्छा लग रहा है आज। और मैं आपको बता रही थी ये टूट गया, ये बेसिकली स्क्रू वगैरह के ऊपर फिक्स रहता है, ये गिर गया समहाउ। डिटेल्स मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, मैं इस रूम में नहीं थी जब ये टूटा। और जो थाली था वो एकदम ही सिंपल था, एंड ट्रस्ट मी, आप अगर वेजीज़ वगैरह पहले से काट के रख लेते हो तो 30 मिनट के अंदर अंदर पक्का आपकी ये थाली बन जाएगी, आप ट्राई ज़रूर देना। और कल मैं शायद जाऊँगी करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। आप करवा चौथ करते हो क्या, मुझे बताइएगा। हम लोग करवा चौथ करते हैं, और करवा चौथ में क्या होता है, मतलब मुझे मेरे लिए भी थोड़ा बहुत सामान लाना है। मैं बेसिकली इस बार सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए एक नया थाली और जो छलनी रहती है ना वो ले आऊँ, मेरी जो आटा छानने की छलनी है मैं उसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। बट इस बार आई एम प्लानिंग कि मैं वो थोड़ी सजी हुई लेकर आऊँ, या एक नया लाकर उसको सजा लूँ। ऑल्सो मैं एक चुनरी लाने का सोच रही हूँ, एंड बैंगल्स लाऊँगी, और तो ज़्यादा मुझे शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग में क्या होता है कि जो सासू माम होते हैं ना उनको भी गिफ्ट देना होता है, और आप अगर मेरा चैनल
काफ़ी वक्त से देख रहे हो ना, तो आपको पता होगा मैं हर बार मम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ, तो वो शॉपिंग भी मुझे करनी है। तो आई एम वेटिंग, टाइम थोड़ा निकले, मेरा भी और शर्मा जी का भी और बच्चों का भी, सबका अभी सिंक करना पड़ता है कि टाइम निकाला जा सकता है। तो आई एम प्लानिंग कि कल शायद मैं मार्केट जाऊँगी, थोड़ा बहुत सामान जितना पॉसिबली मिल जाएगा वो सब लेकर आऊँगी। अगर कल जाती हूँ, सामान लाती हूँ, तो फिर मैं शाम में आपके साथ शेयर करूँगी। आपको याद है लास्ट टाइम करवा चौथ मैंने मनाया था मुंबई में, तो वो एकदम ही यू नो एकदम ऑल ऑफ अ सडन बन गया था वो प्रोग्राम, क्योंकि मम्मी तब मुंबई में थी, वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे तब तक, वो मोनू भाई के पास गई हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, सब लोग इकट्ठे होके करेंगे, और बड़ा मज़ा आया था। और इस बार मम्मी यहीं हैं, उन्होंने यहीं पर घर ले लिया है, तो इस बार भी हम लोग इकट्ठे ही करेंगे। एंड आई लव करवा चौथ, और मेरा बेसिकली एक्साइटमेंट रहता है मेहंदी लगाने को लेकर, बट मेरा मेहंदी ही नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ वजह बनती रहती है। हम लोग बहुत पहले चंडीगढ़ में रहते थे, तो तब तो जो मेरी लैंड लेडी थी ना, वो मुझे लेकर जाती थी कि चल तेरी मेहंदी लगवा के लाती हूँ, और वो शर्मा जी को डांट कर बोलती थी कि सौरभ तू बना ले खाना, नहीं तो बाहर से मंगा ले, मैं इसकी मेहंदी लगवा के लाती हूँ। बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा मेरा उतना बन नहीं पाया सर्कल, या तो कहिए हम लोग बार बार चेंज करते रहे। ये हमारा शायद फोर्थ मकान है, इससे पहले तीन या चार जगह हम लोग किराए पे रहे थे। तो फिर लोकेलिटी छोड़ दो, तो वहाँ के जो भी कनेक्शंस होते हैं लाइक मेहंदी वाली पार्लर एंड ऑल, वो सब वो पीछे ही छूट जाता है। तो आई एम प्लानिंग मुझे कोई अच्छी मेहंदी इस बार हो जाए, या तो फिर मैं खुद ही कर लूँगी। तो बेड मैंने बना लिया है, सानवी खुशी का बेड आज दोपहर में बना दिया था, तो वो लोग तो सो चुकी हैं। मैं बस अभी जाऊँगी थोड़ा किचन और थोड़ा सा क्लीन करूँगी, और इसके बाद आई विल गो टू स्लीप। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, और ट्राई कीजिएगा मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स, आपके काम के होंगे। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।